I am Muhammad Azharuddin Sheikh from Majestic Computers Education near Saadat Masjid Roshan Gate, Aurangabad. आज हम देखेंगे कि डेस्कटॉप के लिए किस तरह से हम स्क्रीन रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक गूगल में जाना होगा। गूगल में आने के बाद उसे हम ओपन करेंगे और वहाँ पर हमें लिखना होगा जो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, कोई भी हो सकता है, वो कैम स्टूडियो नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। और इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, तो हम अभी यहाँ पर कैम स्टूडियो सॉफ्टवेयर को इनेबल करेंगे। उसे यहाँ से डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ से ये लिंक से हमें डाउनलोड करना है। तो इस तरह से वो फाइल्स प्रिपेयर करेगा और यहाँ से क्लिक हियर टू स्टार्ट योर डाउनलोड ये लिखकर आया, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसे हम क्लिक कट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे यहाँ पर कैम स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो आप इसे ओपन शो इन फोल्डर में भी जा सकते हैं। शो इन फोल्डर में आने के बाद आप इसे यहाँ से भी डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और रन करने पर ये रन हो जाएगा। थोड़ी देर लोड लेने के बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसे यहाँ से नेक्स्ट करना है हमें। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और एक्सेप्ट करके यहाँ से ये सारा एक्सेप्ट करना है। ये इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। 25.6 MB इस तरह यहाँ आ रहा है और उसकी स्पीड KBPS में आ रही है। तो ये इस तरह से 100% होने पर वो कैम स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर है और आप उसके थ्रू बिना मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से ये कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मोबाइल के अंदर अगर चाहिए तो आप प्ले स्टोर में लिख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। तो उसके लिए भी जैसे कि वीडियो रिकॉर्डर, वी रिकॉर्डर अलग अलग नाम के आएंगे, तो आप स्क्रीन मोबाइल की भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अंदर। ये 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अभी 88% हो चुका है। जैसे ही ये 100% तक हो जाएगा तो एक ऑप्शन या एक बटन इनेबल करके देगा वो, और बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर प्रोग्राम्स सी ड्राइव में सेव होते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के। तो यहाँ पर ये फिनिश का एक बटन आ गया है, इसे फिनिश कर देंगे हम। फिनिश करने पर वो लॉन्च एप्लीकेशन ऑन एग्ज़िट लिख कर आएगा, मतलब यहाँ पर क्लोज़ करते साथ ही वो लॉन्च हो जाएगा। और अगर आप उसका चेक बॉक्स को हटा देते हैं, अगर वो चेक का निशान, तो फिर वो लॉन्च नहीं होगा। तो अभी ये लॉन्च होगा, तो अभी हमारे प्रोग्राम्स को हम अभी मिनिमाइज़ कर देंगे। ये लॉन्च होने पर यहाँ इस तरह से आ गया रेडी। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन के अंदर से हम यहाँ पर स्क्रीन को रिकॉर्ड यहाँ से चालू कर सकते हैं। ये लेने पर वो स्क्रीन बताएगा कितना सेक्शन लेगा। तो अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो अब इस पर वर्क कैसे करेंगे हम, तो ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।